नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। वक्त तो चला है सुबह की कुछ खास खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पिथौरागढ़ में युवक को बाइक में फोल्डिंग नंबर प्लेट लगाकर घूमना भारी पड़ गया, क्योंकि इसके चलते डीडीहाट पुलिस ने युवक का चालान कर उसकी बाइक को सीज कर दिया। बता दें, पुलिस पूरे जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है और थाना अध्यक्ष डीडीहाट सुरेश कम्बोज के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहन चेकिंग अभियान चलाए हुए है। इसके चलते जब चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोका तो वाहन चालक द्वारा ऑनलाइन चालान की डर से बाइक के नंबर प्लेट को फोल्ड कर अंदर तक छुपाया हुआ था, जिसे जब चाहे वो दिखा सके और जब चाहे वो छुपा सके। यही नहीं, पुलिस ने युवक से बाइक के कागजात मांगे तो युवक के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही बाइक के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसके बाद पुलिस ने बाइक चालक संजय सिंह कन्याल का संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने की आशंका को देखते हुए विभिन्न धाराओं के तहत चालान कर वाहन को सीज कर दिया। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सूबे के 11 जिलों के दूरस्थ स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के 750 अतिथि शिक्षकों को नई तैनाती दी है। बता दें, इन विद्यालयों में वार्षिक स्थानांतरण के बाद काफी संख्या में पद रिक्त हो गए थे, जिनको भरने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों द्वारा शिक्षकों की तैनाती की मांग की जा रही थी, जिसके क्रम में विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों से भरने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने साल 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, LT और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया था, जिसके लिए अब पदों की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरिद्वार में नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद लपटे और धुआं आसमान में दूर तक उठा, देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस बीच फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसमें सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तो वहीं CFO अभिनव त्यागी, FSO शिशुपाल सिंह नेगी, नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा अधिकारी मौके पर मौजूद हुए। बहरहाल, आग लगने की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौके पर पहुंची और फैक्ट्री के आसपास के भवन और गोदाम में आनन फानन में सामान बाहर निकाल कर फेंका गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग जिले के अतिवृष्टि में प्रभावित क्षेत्रों एवं राहत एवं बचाव कार्यों और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इससे पहले उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। बता दें, मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा मार्ग से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा करते हुए अतिवृष्टि से हुई क्षति की जानकारी ली। वहीं सभी विभागों को यात्रा शुरू करने के लिए उनके स्तर से किए जा रहे प्रयासों और तैयारियों की जानकारी ली और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मार्गों, पेयजल और विद्युत लाइनों को यथाशीघ्र बहाल किया जाए। विकासखंड धौलादेवी में आजीविका संवर्धन गतिविधियों को गति देने के लिए ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना मुड़ा के तहत एक सराहनीय पहल की गई है। बता दें, जिलाधिकारी विनीत तोमर और मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के सफल निर्देशन में ये परियोजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके चलते परियोजना के तहत उक्ता सूरत सवाई सहकारिता टकोली की सक्रिय सदस्य मंजू देवी ने दनिया बाजार में अपना कॉस्मेटिक व्यवसाय शुरू किया है, जिसे मंजू देवी को इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के तहत 1.5 लाख रुपए का बैंक लोन, 75,000 रुपए का परियोजना सहयोग और 75,000 रुपए का लाभार्थी अंशदान प्राप्त हुआ है, जिस आर्थिक सहयोग के माध्यम से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है और वर्तमान में उन्हें लगभग 10,000 से 15,000 रुपए की मासिक आय हो रही है। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।